हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो YTS में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये जो अपडेट है ये बिहार शरीफ जंक्शन का है। इसका काम देख के हमको हैरान हो रहा है क्योंकि अभी पहले ही कुछ ही दिन पहले अपडेट दिया था तो काम यहाँ तक था, लेकिन अब जो है कि पूरे ट्रैक को जोड़ दिया गया है। ये भीड़ जो उतरी है ये अभी संजीवी एक्सप्रेस लेट गई है और यहाँ पर खंभे वगैरह भी गाड़ दिया गया है, जो कि आप देख रहे थे इस तरीके से पूरा खंभा लगा दिया गया है। मैं इसी का अपडेट दूंगा पूरा। और ये फ्यूचर में 3 प्लेटफॉर्म होने वाला है, वो 4 है वो 5 है, उसका अपडेट मैं दिया हूँ। इस साइड का अपडेट रह गया था और उस साइड 1 और 2 है। ये बिहार शरीफ का सेटअप गेटअप है, मैं आपको ऊपर भी चढ़ के दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। तो ऊपर से ऐसा दिखता है बिहार शरीफ जंक्शन। और टिकट काउंटर वगैरह जो है इस साइड है, मैं एक वीडियो बनाया उसके बाद नहीं बनाया हूँ, वो उसी तरह रहेगा, अभी ऐसा कोई चेंजिंग नहीं है। और इस साइड देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत दिखता है। ये जो मशीन लगी हुई पीला पीला है, इसी से जो है कि बहुत फास्ट काम होता है, गिट्टी वगैरह सेटिंग किया जाता है। और मेन टिकट काउंटर इसी के पास है, वेटिंग हॉल वगैरह सब अभी है, फ्यूचर में चेंज हो सकता है क्योंकि प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ी है तो ट्रेनें भी ज़्यादा रुकेंगी और जगह भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए तो मैं उस साइड नहीं जाऊँगा। मैं आपको इस साइड चल करके पूरा बिहार शरीफ का कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाऊंगा, अपडेट दिखाऊंगा, वो सारा चीज़ दिखाऊंगा जो यहाँ पे काम चल रहा है और अपडेट है। दूर से भी दिखा दे रहा हूँ कि देखिए कैसे किस तरीके से काम हुआ हुआ है। ये तो पहले से ऑपरेशनल है ये दोनों ट्रैक, जो लोग देख रहे होंगे मेरा वीडियो बेहतर जान रहे होंगे। और सामने राजगीर है, इस साइड जो है कि बरबीघा होते हुए शेखपुरा चली जाएगी। और ये ट्रैक का काम अभी हाल ही फिलहाल हुआ है, 15 दिन के अंदर में जो भी हुआ है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और फुट ओवरब्रिज की बात करूँ तो अभी एक है जिससे मैं उतर रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं आप, और एक आगे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी मैं चल कर दिखाऊँगा। और देखिए इस तरफ स्टेशन का काम कितना फास्ट हुआ है, वो सारा मैं कुछ चल करके दिखाऊँगा, सब कुछ नज़दीक से क्लोज से अच्छे से। तो ये जो मशीन देख रहे हैं इसी से जो है कि काम होता है, गिट्टी को सेटिंग गेटिंग होता है, वो जो आपको हरा कलर के बीच में आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, इससे देखिए इससे जो है कि गिट्टी सेटिंग होता है। और यहाँ पर काम चल ही रहा है और आगे भी गाड़ी लगी हुई है, चलिए देखते हैं उस साइड भी ढेर काम हो रहा है। एक नंबर जो प्लेटफॉर्म था पहले यहीं तक था, उसके बाद इसकी लेंथ काफ़ी बढ़ाई गई है, लगभग 500 मीटर से ज़्यादा बढ़ाया गया है। यहाँ से आगे का जो है कि आप बेहतर देख सकते हैं काम को। और इस साइड जो कि ये 2 नंबर जिस पे मैं चल रहा हूँ, और इस साइड जो है कि 3 है, 3 पे खंभे का भी काम हो रहा है और लाइटिंग का भी काम, देखिए लाइट के लिए लगा दिया गया, खंभा भी लगा दिया गया, लाइट के लिए भी सुविधा हो गई है। तो ये ट्रैक ऑलरेडी काफ़ी दिनों से काम हुआ हुआ है इसका, ये नया नहीं है। और उस साइड भी काम हो रहा था जो मैं दिखाया आपको, लेकिन आज मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड लेकर चलूँगा आपको काम दिखाने के लिए। ये प्रोजेक्ट को इसी ईयर में चालू करना है, तो देखिए क्योंकि यहाँ से लेकर दनियावा तक ऑपरेशनल है। और बाकी जो है मैं एक एक अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन काम के हिसाब से लगता नहीं है, लेकिन मैं हर चीज़ कोशिश कर रहा हूँ पूरा एक एक स्टेशन एक एक इंच इसका दिखाने का, पैदल चल के। तो ये मशीन जो देख रहे हैं आप, इससे जो है गिट्टी रिप्लेस होता है, ये देख रहे हैं इससे गिट्टी जो है कि नीचे से उठा करके जो है कि गिट्टी रिप्लेस होता है, गिट्टी चेंजिंग होती है, फिर गिट्टी को साफ़ करके इसी में फिर डाल दिया जाता है गोल गोल चक्का से, इस तरीके से है। इस पर भी फुट ओवर ब्रिज बन रहा है जो कि मैं आपको क्लोज चेक करके दिखाऊंगा। इससे बता दूं कि जिस पे मैं चल रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और प्लेटफॉर्म नंबर फुट 1 पे फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, और 3 पे तो खंभा भी लग चुका है, वो सब मैं चल कर नज़दीक दिखाता हूँ आपको। तो इसकी काया बहुत जल्द पलटने वाली है। अभी लोग बिहार शरीफ से देख रहे हैं भाई, सपोर्ट कीजिए। देखिए मैं आपके स्टेशन को, आपके जगह को बहुत ही नज़दीक से क्लोज से दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग दूर बैठ के देख रहे हैं तो। बिहार शरीफ जंक्शन को मैं बिहार शरीफ में बन रहे एक एक चीज़ को, नालंदा में बन रहे एक एक चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ अपडेट देने का। तो ये सब जो देख रहे हैं आप, सरिया वगैरह जो निकला हुआ है, तो ये फुट ओवर ब्रिज का ही पार्ट है। और वो जो लाल लाल देख रहे हैं तो वो भी फुट ओवर ब्रिज का ही है, मतलब एक उस साइड गिरेगी 4 और 5 पे, और 1 3 पे गिरेगी, 3 और 2 पे, और ये जो है कि 1 पे जो हो रहा है। चलिए अब मैं 1 पे चलता हूँ और 1 का दिखाता हूँ वर्क अपडेट, क्या पोजीशन है, क्या है क्या नहीं, और मैं एकदम लास्ट तक लेकर चलूँगा। तो इस तरीके से जो भी बिहार शरीफ में है, 5 प्लेटफॉर्म का भी प्रेजेंट में काम चल रहा है, उस साइड बहुत जगह है, अभी काम चल ही रहा है, चलिए दिखाता हूँ 1 पे काम। तो यहाँ के लिए जो है कि फ्यूचर में 2 फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काम हो रहा है। इस साइड से सीधे मेन रोड पे निकल जाएगा, और ये जिनको स्टेशन पे आना होगा तो उस साइड से इस साइड आएंगे, और इस साइड मेन स्टेशन का पार्ट है। और मैं आपको ये पूरा दिखा रहा हूँ, और भी दिखाता हूँ वो ट्रैक जो एक बन रहा है अलग से ट्रैक, 5 ट्रैक के अलावा भी और भी ट्रैक जो बन रही हैं। और वहाँ जो लाल लाल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सीढ़ी के लिए ही लाया हुआ है, फुट ओवर ब्रिज के लिए, जब काम बहुत जल्द होगा। और मैं कंटिन्यू अपडेट देता ही रहूँगा। और इस साइड ये जो देख रहे हैं, मैं एक ट्रैक की बार बार जिक्र करती थी, तो ये वही ट्रैक है जिसपे कि इंजन सेंटिंग होगा, इंजन सेंट किया जाएगा। ये अक्सर मतलब उन जगहों पर होती है जहाँ इंजन साइड किया जाता है, इंजन को रिप्लेस किया जाता है, तो इस छोटे से ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है।
तो चलिए देखता हूँ और आगे। इस स्टेशन की बात करूँ तो पूरे तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन है, मतलब पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक पे चलती है, और जो भी इस पे पूरा रूट ही इलेक्ट्रिक का है, और जो नेवरा दनियावा से आ रही है या बिहार से बरबीघा से पूरा, तो पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक का ही वर्क है, ऐसा नहीं है कि सिंगल है ये। और इस साइड भी देखिए बहुत सारी काम के लिए तार सरिया वगैरह तार गिरा हुआ है, सरिया है, लोहा है, कटपीस है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आप देख रहे हैं। कुछ लोग देखिए हमारे बिहार से स्टेशन पर फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि इस स्टेशन का बहुत जल्द और भी भाग्य बदलने वाला है, बदल तो गया ही है और भी कुछ बदलेगा, क्योंकि जो बिहार शरीफ में रह रहे हैं वो बेहतर जान रहे हैं, और बिहार शरीफ में करोड़ों की प्रोजेक्ट चल रही है। 4 और 5 की बात करूँ तो उस पर जो है कि मेन जो नया काम हुआ वो खंभा लगाने का काम हुआ है, लेकिन 1 पे जो है मिट्टी का सॉइल फिलिंग का काम बहुत हाइट तक किया जा चुका है, और इस पर ढलैया होगा, टाइल्स लगेगा, मार्बल लगेगा या फिर कुछ भी लगे, और इसकी भी हाइट बढ़ा दी गई है, और प्लेटफॉर्म की भी हाइट बहुत दूर तक ले जाई गई है, जो कि मैं कई बार दिखाया हूँ। यहाँ पर पाइप वगैरह भी रखा हुआ है तार केबलिंग के लिए, फिर वहाँ पर देख रहे हैं आप कि लोहे का स्ट्रक्चर भी रखा हुआ है छोटा बड़ा जो भी हो, पॉल के लिए, फिर सेट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए है। तो इस तरीके से मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ, और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी मैं दिखाया बहुत बार कि देखिए इसकी लेंथ बहुत बढ़ाई जा चुकी है। और इस स्टेशन के बगल में जो है कि बगल में ही बस स्टैंड है, फिर यहाँ से 20 रुपया अभी के प्रेजेंट का रेट है, रामचंद्रपुर जाइएगा तो वहाँ से भी आपको बसेज मिल जाएंगी सारी जगहों के लिए, जो लोकल लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, दिल्ली के लिए, कलकत्ता के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कलकत्ता के लिए गाड़ी मिलती है यहाँ से, बहुत सारी बस स्टैंड है बिहार शरीफ में। वैसे प्रेजेंट में सिर्फ अभी 5 ही ट्रेन है, लेकिन फ्यूचर में 50 होंगी ये तो कन्फर्म है, जैसे जैसे होगा मैं अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, और जो भी नया ट्रेन चलेगा तो वो भी मैं अपडेट करूँगा। तो 5 भी मैं थोड़ा सा चलकर दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं होगा तो मैं फिर वीडियो को एंड करूँगा। इस तरीके से देखिए इसकी लेंथ बढ़ाई जा चुकी है, बालू भी आ गया है रद्दी वाला, अब इसको हो सकता है कि भरा जाए या कुछ भी हो। तो नया वाला जो प्लेटफॉर्म 1 में दिखाया है कि उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ाई जा चुकी है, तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ तक बढ़ाई जा चुकी है, और ये जो पुराना वाला 2 और 3 था तो उसकी भी लेंथ लगभग 150 से 200 मीटर बढ़ाई जा चुकी है, मतलब अप्रोक्स बात करें तो किसी का 200 मीटर तो किसी का 250 मीटर तो किसी का 500 मीटर लेंथ बढ़ाया गया। इस तरीके से जो भी एक अपडेट है मैं पूरे बिहार शरीफ का दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन किस तरीके से देखिए पॉल लगा के सब कुछ लगा करके इसे बहुत ही हाईटेक स्टेशन बनाया जा रहा है हमारे बिहार शरीफ को, जो कि मैं दिखा रहा हूँ, और कई बार अपडेट दिया हूँ, उस साइड भी काम चल रहा है थोड़ा सा, उस साइड भी मैं लेकर चलूँगा, और यहाँ तक ही पहले था जो कि मैं कई बार दिखाया आपको। और इस तरीके से सामने बिहार शरीफ है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा हमारा बिहार शरीफ स्टेशन, और मेन इस साइड जो है कि ये शहर है, और इस साइड जो है कि अस्थमा बरबीघा से पूरा है, इस साइड से होते हुए चले जाएगा और सीधे ये रूट जाती है तो राजगीर तिलैया होते हुए गया जाएगी, फिर फ्यूचर में कोडरमा का भी मैं अपडेट दूंगा। और इस साइड से जो है कि पटना है, इस साइड कर जाइएगा तो दनियावा साइड कर जाइएगा, सीधे जो है कि बख्तियारपुर होते हुए पटना चले जाइएगा। तो ट्रैक 3 और 4 पर भी जो है कि मिट्टी खनाने का काम चल रहा, हो सकता है कि किसी तरह का तार का सेटिंग हो, पाइप का सेटिंग हो, या फिर केबल का सेटिंग हो, या खंभे का सेटिंग हो, और लाइट के लिए भी इंतजाम की जा रही है, उस तरफ भी बॉक्स लग चुका है। और इस तरीके से हमारा प्यारा बिहार शरीफ स्टेशन देखिए कितना ही खूबसूरत और कितना ही लाजवाब है। और इस साइड से तो जो है कि टाइल्स भी बिछना चालू हो गया, ये लाल वाले को क्या कहते हैं ये हमको आइडिया नहीं, ऐसे हम लोग जनरली बिना नॉलेज वाले भाषा में इसको टाइल्स कहते हैं कि लाल वाला टाइल्स लगा हुआ था फुटपाथ पर जो जनरली लगता है। तो ये देखिए कि ये लाल वाला टाइल्स भी लगाया जा रहा है, जो जनरली लगता है इसे ढलैया कर दिया गया है, और इस तरीके से खंभे लगा गए हैं जो कि आप बेहतर देख रहे हैं वीडियो में, और उस साइड भी काफ़ी हाइट किया जा रहा है, जो कि छोटा छोटा आप देख रहे हैं ढाल करके ढाला जा रहा है, ढाल करके लगाया जा रहा है। तो कंटिन्यू मैं इसका अपडेट देता रहूँगा जब तक कि पूरे अच्छी तरीके से कम्प्लीट ना हो जाए, ट्रेनें चलने न लगे। से अभी प्रेजेंट में जो भी ट्रेनें आती हैं वो 1 और 2 पे आती है, मतलब या तो इस पे आती है या उस पे आती है, एक साइड उस साइड 1 है, इस साइड 2 है, फ्यूचर में नाम चेंज हो सकता है, ये मैं नहीं कर रहा, अभी जो प्रेजेंट में वो कंडीशन में बता रहा हूँ 1 और 2 है। तो अभी इस पे गाड़ी आएगी और इस पे जो है कि संजीवी गई है, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है अभी प्रेजेंट में एक ही ट्रैक का, बाद में और कुछ चेंजिंग होंगी, जैसे जैसे चेंजिंग होंगी देखते रहेंगे, और इस तरीके से और भी अभी डेवलपमेंट होगा आगे। और वो जो आप घर देख रहे हैं तो वो पता नहीं चला अभी किस चीज़ का बना हुआ है, लेकिन टिकट काउंटर वगैरह जो भी है तो सब वहीं पर है, और हो सकता है बाद में चेंजिंग हो, तो जैसे जैसे होगा मैं फिर से बता दूं कि मैं अपडेट कंटिन्यू करता रहूँगा इसका। और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ काफ़ी बढ़ा दी गई है, पहले ट्रेन से आते थे तो बाहर उतरना पड़ता था, अब जो है कि अब प्लेटफॉर्म पर रहती है। तो 4 और 5 पे गया मैं, ऐसा कुछ काम नहीं चला था, ना तो मैं देखा था वही खंभे लगाए हैं और ट्रैक बिछाए गए, जो काम है वो 1 पे मेन चल रहा है, बाकी 2, 3, 4 पे चल रहा है, मतलब इस साइड और उस साइड जो था, एक छोटा सा अपडेट था मेरे वीडियो के माध्यम से। अब मैं वीडियो को यहीं करता हूँ, और अभी जो ट्रेन आ रही है वो इंटरसिटी तिलैया दानापुर तिलैया पैसेंजर आ रही है, तो मैं वीडियो को यहीं इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा,
वीडियो देखने के लिए थैंक्स। देखिए बिहार शरीफ जंक्शन पर राजगीर दानापुर राजगीर तिलैया पैसेंजर आते हुए। अभी तो 3 ही ट्रेन आ रही है, फ्यूचर में तो यहाँ पे 30 ट्रेनें आएंगी। तो इस तरीके से हमारे प्यारे बिहार से जंक्शन पे प्यारा ट्रेन आते हुए इंडिया के एक एक स्टेशन एक एक ट्रेन बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है।